गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे रिकॉर्ड नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत देख लो मैं कहाँ से कर रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में और स्टेशन में हूँ मतलब एक ट्रेन ब्लॉग तो आने ही वाला है। अब मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी का भी अभी कंप्लेन होगा कि मोहित भाई आप जर्नी पे जाओ कोई ट्रेन ब्लॉग डालो। भाई बैक टू बैक मैंने ट्रेन ब्लॉग डाला है। अभी दूसरा कंप्लेन आप लोगों का ये होगा कि क्या मोहित भाई आप किसी सिटी में जाते हो थोड़ा कवर नहीं करते हो, थोड़ा कवर करो दिखाओ हमें। दो ही चीज हो सकता है, या तो मैं ट्रेन पे फोकस करूँ या तो किसी जगह को जाके सिटी एक्सप्लोर करने पे ज्यादा फोकस करूँ। अगर एक्सप्लोर करने लग गया ना तो एक दो दिन में तो होगा नहीं, उसके लिए हम लोगों को आराम से 5-6 दिन एक एक सिटी में देना होगा। जो कि प्लान तो हम लोग का है कि नेक्स्ट टाइम किसी सिटी को विजिट करें, वहाँ पे अगर अंदर अंदर अगर कुछ ट्रेन जर्नी वगैरह होगा तो वो भी दिखा देंगे, सिटी भी घूम कर दिखा देंगे। वो तो आप लोग आने वाले टाइम में किसी ब्लॉग में देखोगे। फिलहाल आज मेरा जो जर्नी होने वाला है चेन्नई तक का, तो हाँ जी मैं पिछले 2 या 3 दिनों से बेंगलुरु में था, आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई और चेन्नई जा रहा हूँ मैं डबल डेकर से। हाँ जी ये मेरा एक था बहुत पहले से ये वाले ट्रेन को कवर करना है। हमारे हावड़ा से भी था ये ट्रेन हावड़ा टू धनबाद, लेकिन उसको कभी कवर करने का मौका नहीं मिला मुझे, तब मैं ब्लॉग ही नहीं करता था। लेकिन जब हमारे वहां से अब हट गया, अब तो है नहीं वहां पे डबल डेकर, तब मेरे माइंड में आया अरे यार ये तो हमारे यहाँ भी था लेकिन हो नहीं पाया। मैं जिस ट्रेन से जर्नी करने वाला हूँ उस ट्रेन का नंबर है 22626 और ये जो ट्रेन है ये MGR चेन्नई सेंट्रल AC डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसका KSR बेंगलुरु सिटी से जो डिपार्चर टाइम है वो 2:30 बजे का है और चेन्नई सेंट्रल ये हमें पहुंचाएगा रात के लगभग 8:30 बजे, 8:25 का टाइमिंग है वही 8:30 बज जाएगा। टोटल 360 किलोमीटर ये कवर करेगा। वीडियो में बने रहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं ये टिकट मैंने कितने में बुक किया, वैसे तो ये टिकट हमारा कल का था जो कि मैंने 550 रुपए में बुक किया था, लेकिन वो हमें कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि प्लान था कि बेंगलुरु घूमेंगे लेकिन घूम नहीं पाए। तो ये मैंने टिकट तत्काल में लिया। और एक चीज मैंने देखा है, सुनो, तत्काल का मेरा जो टिकट प्राइस है वो 750 रुपए लग गया पर पर्सन, 140 या 150 रुपए ज्यादा लगा नॉर्मल टिकट से तत्काल में करवाने में। मैंने कल ही टिकट किया क्योंकि कल का मेरा ट्रेन था, वो मैंने कैंसिल करवा के आज का किया मैंने। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो ज्यादा रश है ना वो बेंगलुरु से चेन्नई तक का है। चेन्नई से बेंगलुरु में टिकट मिल रहा है मुझे, अभी भी मिल रहा है, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ बेंगलुरु से चेन्नई तक का तब मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी आ गए हम लोग कॉफी पीने के लिए, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 2 बजने वाला है, कॉफी पीकर फटाक से निकल जाएंगे क्योंकि स्टेशन ही है ये, पीछे सीढ़ी है यहाँ से चले जाएंगे हम लोग। तो सब कुछ भूल सकते हैं, ये यहाँ का मैसूरू पाक नहीं भूल सकते, उसको भी ले लिए हैं। अब पता नहीं, वो तो भैया बोले हैं 15 दिन तक चल जाएगा ये, होप कि चल जाए कुछ खराब ना हो, नहीं तो भाई बहुत महंगा पड़ गया, घर ले आते तो खराब ना हो जाए। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ले लिए ये फिल्टर कॉफी। और एक बात आप याद रखो, साउथ साइड में कभी भी ट्रैवल करोगे चाय मतलब मत ही लेना, कॉफी पियो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है, घूम कर पता चला है चाय बढ़िया जल्दी मिलना मुश्किल है। केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब साइड में मैंने देखा है कॉफी बढ़िया है। ठीक है चलो टाइम हो गया अपना, पी के निकलते हैं। वैसे एक चीज है यार, बेंगलुरु के वेदर को बहुत मिस करेंगे, ये पूरा एकदम रूम के अंदर भी AC वाला टेम्परेचर और रूम के बाहर वो जो निकल के गर्मी गर्मी लगता है ना, यहाँ पे वैसे नहीं लगता है। बाहर भी निकलोगे तो सेम वेदर, अंदर भी सेम वेदर, अगर आप होटल में हो तो। जैसे पहाड़ में होता है, पहाड़ में धूप लगता है चुभता है, वैसा धूप है यहाँ पे। बाकी एक और बात, बेंगलुरु का रोड हम लोग कोलकाता जैसा ही है। बाकी हम लोग को साउथ में हर जगह अच्छा रोड मिला है, स्पेशली केरला में और तमिलनाडु में। फिलहाल चलो कॉफी पी के निकलते हैं यहाँ से। तो ये अभी हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच गए, 7 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हम लोग और यहाँ लगा हुआ है अपना ट्रेन, देख लो डबल डेकर। तो ये देखो अपना ट्रेन है, यहाँ पे तो अपना MGR चेन्नई सेंट्रल वाला है और ये साइड जो है ना ये कोयम्बतूर वाला है। दो दो डबल डेकर एक साथ खड़ा है देख लो, ऐसा बम्बल बम्बल खिला रहे हो। तो ये अपना कोच, ये अपना कोच नहीं है, ये तो C10 है, अपना C6 है। कभी डबल डेकर में जर्नी हुआ है कि नहीं, जब हमारे हावड़ा में चलता था तो देखते थे वो वहाँ पे जो बांग्लादेश। हम लोग तो उस टाइम स्टेशन के पास ही मेरा घर था ना, तो जब डबल डेकर जाने वाला रहता था ना, साहब घर का बच्चा बाहर आ जाता था देखने के लिए। अभी तो जाते थे देखने। ये वाला जिसको सीट मिलता होगा वो क्या एकदम ग्राउंड लेवल में जाता होगा एकदम। भाई फर्स्ट टाइम है इस ट्रेन के अंदर, कुछ आइडिया नहीं है कैसा होता है कैसा नहीं। तो यहाँ पे देख लो कुछ ऐसा सीट अरेंजमेंट है, ये नीचे ये अपर, आपने जब टिकट बुक करोगे ना तो वहाँ पे दिखता है C6U लिखा रहेगा मतलब अपर, C6L लिखा रहेगा मतलब लोअर, तो अपना अपर है। अच्छा मिडिल डेक भी है, ये हो गया मिडिल डेक, हमको लगता है C6M होगा तब इसका। ये लोअर डेक, ये अपर डेक दिखाएंगे आपको, बहुत जर्नी बचा हुआ है। ये मिडिल डेक मेरे को इसमें चाहिए था, ये बेस्ट था, लेकिन कोई नहीं चलो अपना अपर है, ऊपर जाते हैं। आप रे तो ट्रेन का छत पे चढ़ा दिया। और यहाँ पे हमको लगता है सीट भी बहुत है देखो, 118, 117, 116, 120, अपना 79, 80 है। ये अपना पहले अपना लगेज वगैरह रखते हैं, उसके बाद बाकी का बात करते हैं। भाई अपने को ये डबल डेकर में ये सीट चाहिए, अगर कोई टीटी आएंगे तो उनसे बात करेंगे, भैया ये सीट दे दो, बेस्ट है ये सीट। देखो टेबल लगा हुआ है, एडिटिंग के लिए बेस्ट है मेरे लिए, खाना पीना तो खैर छोड़ो हटा दो, ये सीट मेरे को सबसे बेस्ट लगा, मिडिल वाला सीट सबसे बढ़िया है। बाकी अपर डेक में सीट कैसा है, कम्फर्ट वम्फर्ट कैसा लग रहा है? जैसे ये तो रिक्लाइन भी नहीं होगा, ये वाला रिक्लाइन हो जाएगा अपना वाला।
बस इतना ही छोटा सीट है इसका। सही बात है यार, ये सब जो वंदे भारत तेजस आदत खराब कर दिया हम लोगों का। लेग स्पेस ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है। बाकी तो ये वाटर बोतल होल्डर है, यहाँ पे आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हो जैसे रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ऊपर ऐसे लाइट वगैरह नहीं मिलता है आपको, पुराना वाला ही कर्टन से। ये कैसा लग रहा है बोलो तो? अंडमान में जो हम नाव में नहीं जाते थे, अपर डेक लोअर डेक ऐसे ही होता था। ये लोअर डेक से स्टेशन का व्यू देखो, नहीं अच्छा, बहुत छोटा सीट है। लेग स्पेस उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप बैठोगे ना, पैर जब आपका बेंड होगा, ये वाला चीज आपके पैर में लगेगा। मेरा भी थोड़ा सा ये होगा, अगर मान लो तीन जैसा बैठ गए ना तो प्रॉब्लम होगा। दिक्कत कब होगा? जब थोड़ा उठोगे ना, खड़ा होगे तब और दिक्कत होगा। लेकिन टिकट का जैसा प्राइस है 500 रुपए, उस हिसाब से ठीक है, बस जाओ 300 किलोमीटर का बात है, एडजस्ट कर ही सकते हो। बाकी ये नीचे वाला मेरे को अजीब लगा यार, देखो स्टेशन कितना करीब है, एकदम ध्यान से, अगर किसी का गुटखा थूका हुआ है ना तो आप ध्यान से देख पाओगे गुटखा को। और तो कुछ है नहीं ऐसा दिखाने के लिए, ऊपर भी लाइट वगैरह का भी ऐसा कुछ नहीं है। वॉशरूम कैसा किया है इसका? जहाँ जहाँ इसमें सीट मिला है, खाना वाना है क्या भैया? क्या क्या है? बस कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ऑमलेट आएगा, ऑमलेट आएगा, ऑमलेट। और क्या है? ओनली ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। चलो ठीक है, हो गया। बाकी ये इधर का वॉशरूम है देख लो, ठीक है जैसा होता है ना पुराना ट्रेन सबका वैसे ही है। थोड़ा ये पुराना कोच है तो टॉयलेट भी थोड़ा पुराना लग रहा होगा आपको। टैप में पानी है, लिक्विड है या नहीं है? हाँ भाई, लिक्विड भी है। बाकी सामने में एक बड़ा सा मिरर है, मिरर क्लीन है। होप कि आप लोग को इस डबल डेकर का टूर अच्छा लगा हो। भाई मेरे लिए भी, जैसा आपके लिए सब कुछ नया है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इसका टूर देख रहे हो तो मेरे लिए भी एकदम नया है ये। मैं फर्स्ट टाइम डबल डेकर में ट्रेवल कर रहा हूँ। और एक चीज है कि अब हमारा जर्नी खत्म ही होने वाला है, और जर्नी खत्म होते होते हमें हावड़ा ब्रिज भी दिख गया है। ये देखो हमारे जस्ट पीछे ये हावड़ा ब्रिज, और ये देख कर लग रहा है कि बस अब घर जाए, थोड़ा घर जाकर मम्मी के हाथ का भी खाना वाना खाएं। चेन्नई जाकर देखते हैं, ट्रेन से जाएंगे या फिर फ्लाइट से, तो देखना पड़ेगा। 6 बजे का यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम है, अभी 2:27 हो रहा है। देखते हैं ये जो ट्रेन है टाइम से स्टेशन से निकलता है कि नहीं। भाई कितने दिन बाद ट्रेन में ऐसे चिप्स उप्स खाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस ट्रेन में कुछ खाना वाना नहीं है और ना ही खाना ऐड करने का भी ऑप्शन आता है। आप IRCTC से खाना ऑर्डर कर सकते हो। वैसे मैं आपको स्टॉप दिखा दूंगा इसका, क्या क्या स्टॉप है। पहले यहाँ पे टाइम से निकल जाने दो, बस 1 मिनट में निकलने वाला है यहाँ से। एग्जैक्टली 2:30 बजे हमारे जो ट्रेन है स्टेशन से निकल चुका है। जय माता दी, जय माता दी। तो ये अलग एक्सपीरियंस होने वाला है फर्स्ट फ्लोर से स्टेशन को देखने का। देख लो, तो अभी बाय बाय बेंगलुरु, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इधर आ रहे हैं। क्यों? अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है। बाकी हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना कि बेंगलुरु में हम लोग को क्या क्या चीज मस्ट ट्राई करना चाहिए था, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग आए तो हमें याद रहे कि हाँ ये चीज कवर करना है। अभी कितना ऊंचा ऊंचा लग रहा है। देखते ही देखते देख लो हमारा पहला स्टॉप आ गया, जो कि है बेंगलुरु कैंट। यहाँ पता नहीं भीड़ कैसा होगा, भीड़ तो है। बेंगलुरु कैंट से तो हमारा ट्रेन निकल चुका है, और वैसे ये ट्रेन का स्टॉप बहुत सारा है। वैसे देख लो हमारा जो ट्रेन है स्टेशन से तो एकदम टाइम पे निकला था, और बेंगलुरु कैंट भी एकदम टाइम पे ही पहुंचा था। 2:40 में टाइम था पहुंचने का, 10 स्टॉप और 2:40 में ही पहुंचा ये। 10-11 किलोमीटर में अगला स्टेशन है, जो कि है कृष्णा राजापुरम। 3:40 में आएगा बंगारापेट जंक्शन, फिर 4:30 बजे आएगा कुप्पम, 5 बजे आएगा चोलर पिटाई जंक्शन, फिर 5:30 बजे आएगा वेन्याम बडी, 5:36 में आएगा अम्बूर, 6:15 में आएगा कटपट्टी जंक्शन, 7:05 में आएगा अराकुम जंक्शन, 8 बजे आएगा परमबूर, 8:25 में हम लोग पहुंचेंगे MGR चेन्नई सेंट्रल। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मोहित भाई आप ट्रेन में कुछ भी अगर ऑर्डर करते हो तो सबसे बेस्ट ऐप बताओ। ज्यादा ऐप रखने का जरूरत नहीं है, ये जो IRCTC का ऐप होता है ना जिससे टिकट वगैरह बुक करते हो, सब कुछ आप वहीं से कर सकते हो। अलग से आपको कुछ रखने का जरूरत भी नहीं है। जैसे मेरा टिकट ऑलरेडी बुक्ड है, तो ये मैं चला जाऊंगा माई ट्रांजेक्शन में, माई बुकिंग में। तो देख लो ये सब मेरा जर्नी कम्प्लीटेड है, जो कि मैं अभी ये ब्लर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो मेरा ट्रेन है, और देख लो ये मेरा सीट वगैरह सब कुछ दिख रहा है मुझे। जस्ट थोड़ा ही नीचे आप आओगे ना तो आपको दिख जाएगा, देखो होटल, रिटायरिंग रूम, बस, ऑर्डर फूड, ई कैटरिंग, ऑर्डर फूड, पेंट्री कार। तो आप पेंट्री कार से भी डायरेक्ट फूड ऑर्डर कर सकते हो, आपको जाकर पेंट्री कार ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप बैठे हुए अपने सीट पे पेंट्री कार से भी ऑर्डर कर सकते हो, बट इसमें तो पेंट्री कार है नहीं तो यहाँ पे होगा नहीं वैसे। अगर किसी ट्रेन में पेंट्री कार है तो आप बैठे बैठे कर सकते हो, बट मुझे करना है ऑर्डर फूड, ई कैटरिंग। तो देख लो ये सारे स्टेशन में हमें खाना मिल जाएगा। कटपट्टी जंक्शन में मुझे डोमिनोज पिज्जा दिख रहा है, तो सिंपली डोमिनोज पिज्जा आप खोलो,
देख लो मेन्यू में क्या क्या है, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह का क्या ऑप्शन होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सारा आइटम सिलेक्ट करके जब मैंने चेकआउट किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा पेज आ गया है जहाँ पे मुझे अपना नेम देना होगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये तो मेरा कोच नंबर है और सीट नंबर है। चलो ये सब करके मैं प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ मैंने अपना फोन नंबर वगैरह डाल दिया है, उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुला है, देख लो, एक कपल सेलिब्रेशन कॉम्बो वेज है, कुछ दिवाली कॉम्बो चल रहा है, ये टोटल मेरा हो रहा है 828। और सबसे मेन बात, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख लो मैंने ऑर्डर कर दिया है और मैसेज भी आ गया है मुझे, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, पिज्जा मैंने ऑर्डर कर दिया है। बाकी हाँ देख लो क्या है बाहर, यही सब नजारा है, अगर कुछ अच्छा नजारा दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और सीट तो भैया बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत छोटा सीट है ये, देख लो यहाँ पे, ये नीचे देख लो क्या हाल हुआ है भाई, बैग वगैरह कुछ जगह नहीं है। और बाहर देख लो बारिश भी स्टार्ट हो गया, वैसे तो हम लोग स्टेशन में पानी ले लिए थे लेकिन पानी आपको ट्रेन के अंदर भी मिल जाएगा। वाटर नहीं, देख लो खाना पीना भी अंदर मिल रहा है, हम लोग को लगा कुछ मिलेगा नहीं लेकिन मिल रहा है, कटलेट वगैरह मिल रहा है, पानी का बोतल वगैरह भी मिल रहा है। बाहर अच्छा खासा बारिश हो रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे देखो बहुत तेज बारिश हो रहा है। क्या है, समोसा वमोसा है यार, एक समोसा एक कटलेट, समोसा दो पीस, कितना टोटल, ये हम लोगों ने अम्बल खरीद लिया। तो ये जो भैया कटलेट वगैरह लेकर आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे कटलेट और समोसा ले लिया है, आइडिया नहीं है कैसा होगा लेकिन कटलेट थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखकर। और ये मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर आप इस रूट में कभी ट्रैवल करते हो, अगर इस टाइप का कुछ खाना आएगा, देखना है कैसा है, टेस्टी है या फिर बेकार सा। वैसे IRCTC को भी फीडबैक देना है मुझे, तो ये जो खाना दे रहे हैं वो IRCTC की तरफ से ही है, इसलिए मुझे फीडबैक भी देना था, इसलिए मैंने इसको लिया है टेस्ट करने के लिए। मैं सिर्फ कटलेट ट्राई करूंगा, देखते हैं कैसा है। तो ये अभी मैंने कटलेट ट्राई किया भाई, एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है ये मुझे। बाकी ये समोसा है, समोसा देख लो कैसा है, क्या है ये अंदर में स्टफिंग, प्याज है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये कटलेट, कटलेट देखो जला जला दिया है क्या, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है, तबियत खराब हो जाएगा। एक तो ऑयली है, इसका टेस्ट भी एकदम अच्छा नहीं है, और 65 रुपीस का है ये। अंदर में देखो आलू तो है ही नहीं, प्याज है, तो प्याज वगैरह है इसके अंदर, प्याज, कैबेज है, प्याज और बंदा गोभी है। ये सब भाई खाना मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप एक काम कर सकते हो, या तो कहीं अच्छे रेस्टोरेंट से पैक करा के लेके आ जाओ, या तो ई कैटरिंग से ऑर्डर कर लो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, जैसे डोमिनोज हो गया, आपको पता है डोमिनोज अच्छा खाना देगा, उससे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर फास्टोस का रैप खा लो, इस टाइप का कुछ खा लो वो बेटर है। बाकी ये सब चीज तो अवॉइड करो यार, तबियत वबियत खराब ना हो जाए, पूरा खाओगे ना तबियत खराब, नहीं खाना ही नहीं। वैसे ये जो कटलेट है सिर्फ हम लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने लिया है। कटलेट कैसा है, भूख लग रही है जो आ रहा है, मजबूरी मजबूरी, मैक्सिमम लोग इसको जो ऑर्डर किए हैं वो मजबूरी के लिए, कुछ है नहीं, अब पूरे ट्रेन में कुछ मिल नहीं रहा खाना, या तो आप ऑर्डर कर लो, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ऑनलाइन भी ऑर्डर होता है कुछ ऐसा। देखो भाई सिंपल सा बात है, ये सब खाया नहीं जाएगा हम लोगों से, पैसा वेस्ट हो गया, 65 रुपया, 3 रुपया फायदा है, देखो ये वेस्ट बोल सकते, हाँ भाई वेस्ट है, वेस्ट हो गया, तबियत खराब करके वेस्ट चीज, हाँ ये नहीं खाया जाएगा, जाने में ये सब चीज। ट्रेन है कुप्पम स्टेशन पहुंचा है, कुप्पम अभी वैसे 4:30 बजने वाला है और हमारा जो खाना है शायद हमें 5:30 बजे के लगभग मिलेगा। वैसे बाहर का मौसम देख लो क्या मस्त हो रखा है, इसलिए अभी गेट पे आ गया। अंदर तो यार अलग ही मतलब भसड़ मचा हुआ है, एक तो छोटा छोटा सीट है, अभी अंदर तो पूरा अलग ही पूरा माहौल पैक है। ये खाना गरम करने वाला है, इससे खाना वाना गरम होता है, कटलेट, कटलेट तबीयत खराब करने वाला कटलेट। तो ये कोई स्टेशन है, इसका नाम है मल्लनूर, हमको लग रहा है किसी को कोई ट्रेन को पास कर रहा है।
अपना मस्त चले जा रहा है और अपना स्टॉप जहाँ पे हमें डोमिनोज पिज्जा मिलने वाला है अभी भी टाइम है आधा घंटा जैसा, अभी भी आधा घंटा लगेगा वहाँ पे। साफ सफाई भी हो रहा है। अच्छा ये देख लो अभी आ गया अंगूर, इसके बाद ही है कटपड़ी ना। साफ सफाई भी किया जा रहा है अभी। कितना? बाकी ठीक है, इसके बाद ही अपना डोमिनोज पिज्जा आ जाएगा तो अपना वो खाते खाते चले जाएंगे। ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने का, बाकी हाँ नीचे से आपको दिखा देंगे कैसा नजारा दिखता है, एकदम स्टेशन के एकदम टच करते हुए जाते हैं। अगला स्टॉप है वो कटपड़ी है जहाँ पे अपना डोमिनोज पिज्जा में मिलने वाला है। उससे पहले ये चाय हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, 10 रुपए का चाय हम लोगों ने ले लिया है। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कटपड़ी जंक्शन, टाइम हो रहा है अभी 6:14 और यहीं पे मिलने वाला है मुझे मेरा पिज्जा। बाप रे भीड़ तो यहाँ भी है गुरु। ये रहा डोमिनोज वाला खड़ा है मेरा। जो दूसरा का है? अच्छा दूसरा का था। जल्दी जल्दी जो है दे दो। वैसे देख लो हमारा डोमिनोज पिज्जा हमें मिल गया है कटपड़ी जंक्शन में, एकदम लास्ट टाइम में हमारा डोमिनोज वाला आया लेकिन भाई देकर चला गया, वो ओटीपी भी नहीं लिया। हम लोग ओटीपी भी बोले कि ओटीपी चाहिए आपको, नाम कंफर्म किया, लेकिन एक बात है हम अच्छा काम किए कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। अगर कैश पेमेंट रहता है या तो उसको छोड़ना पड़ता है तो मेरे को छोड़ना पड़ता है। बाकी देख लो ये सब चीज ऑर्डर किए हैं, नहीं नहीं इसका मैं रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, मेरा ये था माइंड में कि हाँ मैं आप लोग को दिखा दूँ कि हाँ ऐसा भी है आप ऑर्डर कर सकते हो, थोड़ा पैसा ऐड करके थोड़ा अच्छा चीज ही खाओ वो ज्यादा बेटर है। वही तो चीज हो गया, घुमा फिरा के वही चीज हो गया। वैसे देख लो मैंने एक कॉम्बो ऑर्डर किया था, कॉम्बो में वैसे मैं बताया था क्या है, ये दिवाली कॉम्बो है। तो वैसे देख लो ये एक डोमिनोज का मीडियम पिज्जा है, फार्म हाउस पिज्जा है भाई, तो भाई मैं पिज्जा भी दिखा दूंगा आपको। उसके साथ एक गार्लिक ब्रेड था और चोकोलावा केक था, तो ये तीनों कॉम्बो में है और एक कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ ये मैंने जो चिकन मीट बॉल है ना ये मैंने अलग से मंगवाया है, तो इन सब का जो टोटल था वो 630 रुपए के आसपास था, तो ये मैंने ऐड करवाया सब लेकर 800 रुपए का बिल बना। पिज्जा थोड़ा नरम सा पड़ गया है तो ये देख लो, ये अच्छा है यार पूरा टॉपिंग्स भरा हुआ है पूरा। तो ये अपना देख लो मीडियम फार्म हाउस पिज्जा और ये देख लो चिकन मीट बॉल और ये गार्लिक ब्रेड। तो चलो इन सबको खाते हैं फिर आपको बता देंगे कि हाँ कैसा था नहीं था या फिर खाना बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था, खाने के बाद बता देंगे आपको। डोमिनोज का ये जो न्यू हैंड टोस्ट क्रस्ट है ना ये और भी ज्यादा पतला लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है ये। तो हाँ पिज्जा तो मैं बता दूं वैसे कि बढ़िया लग रहा है, वही थोड़ा ठंडा हो गया है और ठंडा होने की वजह से थोड़ा टाइट भी हो गया है, तो ठीक लग रहा है। वैसे पता है डोमिनोज का टेस्ट कैसा होता है कैसा नहीं, ठीक लग रहा है खाया जा सकता है ये। बाकी गार्लिक ब्रेड तो है ही लेकिन मुझे आजकल डोमिनोज का ये खाने में बहुत मजा आ रहा है, मैं इसको हमेशा ऑर्डर करता हूँ, खास करके ये मीट बॉल पेरी पेरी ये वाला, ऊपर से ये जो पेरी पेरी मसाला होता है ना उसको स्प्रिंकल किया गया है। चलो आज अपना लग रहा है डिनर हो गया क्योंकि देख लो अभी 6:30 बज रहा है, इतना हेवी खाने के बाद मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद डिनर जाएगा पेट में। चलो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ये तो डोमिनोज पिज्जा तो खैर वो पिज्जा वाला चीज हो गया, मीट बॉल एक बार ट्राई करो, इनका मीट बॉल बहुत बढ़िया है, फर्स्ट टाइम खा रहा है। अच्छा जूसी है और वही तो ठंडा भी हो गया, देखो कितना जूसी है ये, और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा ना फिर भी खाया जा सकता है, ये इस टाइप का खाना अच्छा है। बाकी तो इसके अलावा चोकोलावा केक है ये तो खैर लास्ट में खा लेंगे और गार्लिक ब्रेड है। चलो बढ़िया खाना मिल गया हमें, अब ज्यादा नहीं 110 या 120 किलोमीटर है और 2 घंटा लगेगा हमें चेन्नई सेंट्रल पहुंचने में, वही खाते पीते निकल जाएगा टाइम अपना। अब
अपना खाना पीना तो हो गया है, मैंने बहुत सारा जर्नी किया है चेयर कार में, लेकिन ये अभी तक का मेरा किया हुआ सबसे अनकंफर्टेबल जर्नी, सबसे अनकंफर्टेबल। और अगर आप देखोगे ना आदमी लोगों का सीट देखो, आगे पीछे करके लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो एक अगर लाइन में बैठेंगे ना तो बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइनली ये दुखदायी टाइम खत्म हुआ। नहीं भाई ये मतलब वो शॉर्ट जर्नी के लिए नहीं बना हुआ है ये, एक तो इतना कॉम्पैक्ट सीट है, मजा नहीं है इसमें जर्नी करके। ये ठीक है, जाना है तो जा सकते हो, अदरवाइज मजबूरी। और ये देख लो आ गया चेन्नई सेंट्रल। फाइनली हम लोग अभी चेन्नई सेंट्रल पहुंच गए और ट्रेन हमारा शायद 2-3 मिनट लेट है, बट हर टाइम पे पहुंचा दिया हमें। और बाकी बस सीट में बैठे बैठे बोर हो गए, ज्यादा कुछ दिखाने के लिए भी नहीं था। वैसे भी टाइम देख लो 8:30 हो रहा है। हाँ जी, तो कल तो होटल रूम आने के बाद मैंने वीडियो वगैरह एड नहीं किया, आकर मस्त एकदम फैल कर सो गए, एडिटिंग भी नहीं किया मैंने, मस्त एकदम सो गया मैं आकर। उसके बाद अभी सुबह उठ के वापस से रेडी हो गया हूँ, सबसे पहले जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे अगर मैं बात करूँ अपने इस फर्स्ट डबल डेकर एक्सपीरियंस का, तो वो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा रहा, सीट उतना कंफर्टेबल नहीं लगा पहली बात तो, चाहे ऊपर की बात करो या फिर नीचे की बात करो। और एक हमें लग रहा था कि वो जो मिडिल वाला सीट है ना वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा, लेकिन उसमें भी बैठे वही सेम है। बाकी यही था जर्नी, नॉर्मल सा जर्नी था, और ये मेरा साथ फर्स्ट लास्ट डबल डेकर का जर्नी था। शायद ही अब करेंगे, अगर कभी ऐसा कुछ यूनिक सा रहा दिखाने को तभी करेंगे। मजबूरी वाला जर्नी था, कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, एसी भी उतना ढंग से काम नहीं कर रहा था, हो सकता है ये मेरे कोच का प्रॉब्लम हो। क्या कोई बात नहीं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।